बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना सुहेल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल हिना सेवन, मेरा घर मेरी जन्नत में आप सबको खुश आमदीद। तो व्यूअर्स कैसे हैं आप सब, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ बच्चों के सॉफ्ट टॉयज हायर वॉशिंग मशीन में वॉश करने का तरीका, कि आपने क्या चीज़ें देखकर जो है सॉफ्ट टॉयज भी आप अपने हायर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के अंदर अपने बच्चों के आप वॉश कर सकते हैं। आजकल बहुत अच्छा मौसम है, धूप है और बहुत चिलचिलाती धूप है, आप इसमें जो है बहुत COVID-19 फैला हुआ है हर तरफ बीमारी से बचने के लिए। इसके अलावा भी COVID-19 ना भी हो तो बच्चे के आपको मंथ में एक बार या 2 महीने में एक दफ़ा ज़रूर आपको बच्चों के सॉफ्ट टॉयज जो है वॉश करने चाहिए, क्योंकि बच्चे इनके साथ बहुत प्यार करते हैं, सब बहुत हग करते हैं और अपने साथ लेकर सोते हैं। तो हमें कपड़ों के साथ साथ आपने बच्चों के सॉफ्ट टॉयज भी उसी तरीके से आपने वॉश करने हैं जैसे आप कपड़े धोते हैं। तो चलिए आइए आज की वीडियो में हम देखते हैं कि सॉफ्ट टॉयज को वॉश करने के लिए हमें क्या बहुत ज़रूरी है और कैसे हायर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को यूज़ करते हुए हम इन सॉफ्ट टॉयज को वॉश कर सकते हैं। वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है ताकि कोई भी प्रोसेस आपसे मिस ना हो। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके लिए रोज़ एक दिल करता है कि बस आप अपने व्यूअर्स के लिए मैं डेली आऊँ और डेली अपने व्यूअर्स के लिए मैं कुछ ना कुछ सिखाऊँ और वीडियोज़ बनाऊँ। तो आप काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आइए व्यूअर स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स ये है मेरे पास कुछ सॉफ्ट टॉयज, जैसे कि आप देख रहे हैं एक कैट है, एक टेडी बेयर है, एक एलिफेंट है। सॉफ्ट टॉयज हैं, आप कोई भी बच्चों के छोटे बड़े किसी भी साइज के, ये डिफरेंट साइज के मैंने लिए हैं सॉफ्ट टॉयज। तो ये मेरा बच्चा ज़्यादा यूज़ करता है और माओ को ही पकड़ के जो है वो खेलता है, बहुत इंजॉय करता है। टेडी बेयर भी उसको बहुत हग करता है और एलिफेंट को साथ लेकर सोता है, उसे बहुत पसंद है। तो ये इसलिए मैं ज़्यादा गंदे भी आप देख रहे हैं कि हो गए हैं थोड़े से, तो मैं वॉश करना चाहती हूँ। अच्छा, सॉफ्ट टॉयज को वॉश करते हुए एक चीज़ आप लाजमी देखें, जैसे आप कैट में ये देख रहे हैं कि इसमें रेड रिबन है, ये रेड रिबन है और पूरी कैट वाइट है। तो आप ये आपने इतने कपड़े धोए होते हैं तो आपको पता होता है कि आप जब कपड़े वॉश कर रहे होते हैं तो ये रिबन्स वगैरह जो होते हैं इनके कलर ज़रा कच्चे होते हैं। वो क्या करते हैं कि अगर आप इन्हें वॉश करेंगे तो ये रिबन का कलर सारा इस कैट के ऊपर भी चढ़ेगा, पानी के अंदर कलर निकल जाएगा और बाकी टॉयज़ के ऊपर भी आ सकता है। तो आपने सॉफ्ट टॉयज में जो इस तरह की चीज़ें अगर सॉफ्ट टॉयज में हो रिबन वगैरह, तो सबसे पहले आपने सीजर से इनको हल्का सा, आपने जो इनके धागे वगैरह होते हैं इनको कट कर लेना है। ये बाद में आप स्टिच करके अगेन जो है इसके अंदर स्टक कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि जी ये निकल जाएगा तो हम कैसे इसको लगाएंगे बो को और इन सारी चीज़ों को। तो आप इसको बाद में जो है ईजिली इसके साथ स्टिच कर सकते हैं अगेन। तो आपने सबसे पहले ये चीज़ आपने इसकी अलहदा कर देनी है, सेपरेट कर देनी है, ताकि जब आप वॉश करें तो ये रिबन का कलर जो है इन बाकी टॉयज़ के ऊपर ना चढ़े। तो आपने इस जरूर देखा था, एक हल्का सा जस्ट उसे सुई धागे की मदद से आपने स्टिच करना होगा अगेन आराम से, ये इसीलिए जो है वो हो जाएगा, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो आपने इस तरह के रिबन्स या इस तरह का कुछ टैग्स वगैरह हों जो आप समझते हैं कि कलर छोड़ सकते हैं, तो वो आपने सॉफ्ट टॉयज में से उतार लेना है और मेक श्योर कि कहीं से कुछ कटा पिटा ना हो, ताकि उसके अंदर के जो फॉर्म जो फिल होती है वो बिल्कुल ना निकले। तो आपने बहुत अच्छे से, जैसे इसके अंदर ज़िप है, ये देखिए इसके अंदर ज़िप भी हुई है, इसकी जो फिलिंग है वो अंदर है, तो आपने ज़िप मेक श्योर कि पूरा टाइट बंद करनी है ताकि बाहर ना निकले, और ये सारा आपने सॉफ्ट टॉयज के अंदर देखना है। तो चलिए आइए अब हम इसे वॉश करते हैं। सबसे पहले आपने मशीन के अंदर ये सॉफ्ट टॉयज डाले। आप आइए, एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, कैमरा प्लीज़ क्लोज कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एलिफेंट जो है हमारा बहुत बिग साइज़ का है और उसने तकरीबन फुल ड्रम ले लिया है वॉशिंग मशीन का, और साथ में ये टेडी बेयर और ये कैट जो हमने साथ में डाली है ये भी तकरीबन फुल एरिया जो है उसने लिया हुआ है टब का। तो अब आपने वाटर लेवल, मैं आपको बता चुकी थी कि वाटर लेवल 6 वाटर लेवल तक यहाँ तक आता है। अब आपको इसको अच्छे से वॉश करने के लिए आपको करना ये होगा कि आपने इसका टब फुल रखना होगा ताकि टब फुल हो और जो है
वॉश अच्छे से हो जाएं ये सारे सॉफ्ट टॉयज। आप देख सकते हैं कि इसने पूरा टब ले लिया है इस अकेले एलिफेंट ने। तो हम इसके हिसाब से जो है अपनी वॉशिंग मशीन का वाटर लेवल सेट करेंगे। अच्छा, अब आपने इसके अंदर डिटर्जेंट डालना है, जितना आपको सही लगता है आप उस हिसाब से डिटर्जेंट यूज करें, ताकि आपके बच्चों के सॉफ्ट टॉयज बहुत अच्छे से हो। आप चाहें तो इसके अंदर डेटॉल भी यूज कर सकते हैं, साथ में मैं सॉफ्टनर यूज कर रही हूँ ताकि वॉश होने के बाद बहुत अच्छी सी स्मेल आए। सबसे पहले हम करेंगे स्विच ऑन। अच्छा, अब हमने इसको किस फंक्शन में धोना है, अब आप इसको जाकर डीप क्लीन के फंक्शन में वॉश करेंगे, क्योंकि ये सॉफ्ट टॉयज है और इसको बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ ऊपर नहीं इसके अंदर तक जो है फिल है उस तक को वॉश करना है। तो डीप क्लीनिंग में एक व्यूअर ने मुझसे पूछा था, प्लीज़ आप बताइए डीप क्लीनिंग में हम कौन से जो है कपड़े वॉश कर सकते हैं। तो डीप क्लीन में आपकी ज़्यादातर जो है वो होती हैं बेडशीट्स, हैवी बेडशीट्स होती हैं, आप कर्टन्स भी धो सकते हैं जो हैवी वाले होते हैं, इसके अलावा आप जो है इस तरह के सॉफ्ट टॉयज डीप क्लीन में धो सकते हैं। और डीप क्लीन में जिसके आपके कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हों बहुत ज़्यादा, तो वो आप डीप क्लीन के अंदर वॉश कर सकते हैं। तो उसका फंक्शन यूज़ करने के लिए सबसे पहले आप ये रेड लाइन देख रहे हैं, प्रोग्रामिंग में जाएंगे, नॉर्मल, हैवी, स्पिन, क्विक। अच्छा, क्विक के बाद अब अगेन प्रोग्रामिंग दबाएंगे तो आप इसके डीप क्लीन फंक्शन पर चले जाएंगे, जहां पर आपको सामने नज़र आ रहा है 79 इट्स मीन ये डीप क्लीनिंग फंक्शन की तरफ आ गई है। अब 79 में हम इसके प्रोसेस में जाके देखते हैं, वाटर लेवल 6 बता रहा है, हम यहां वाटर लेवल इसका 9 सेलेक्ट करूँगी मैं, क्योंकि जो है पूरा ड्रम उसने कर लिया है और वॉश टाइम जो है वो 20 है। वॉश टाइम मैं इसका थोड़ा सा कम कर दूंगी, मैं इसका वॉश टाइम 15 करूंगी, क्योंकि 20 बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, रिंस टाइम इसका 3 बता रहा है, जबकि रिंस टाइम इसका 2 इनफ है। स्पिन टाइम 7, ओके स्पिन टाइम इतना ही होना चाहिए। और अब हम कर लेंगे स्टार्ट। अब ये देखिए आपके सामने ये इसका प्रोग्राम सेट हो चुका है 80 मिनट्स। अब ये मशीन पानी ले रही है और अभी स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए व्यूअर्स, अब मशीन के अंदर हमने डिटर्जेंट डाल दिया है, अपने सॉफ्ट टॉयज डाल दिए हैं, अब सारा काम मशीन का है, वो अपने अंदर पानी लेकर इसको वॉश करेगी, वॉश करने के बाद इसे रिंस करेगी और स्पिन कर कर आपके सामने रख देगी। बस मशीन ने हमारे 80 मिनट्स लिए हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मशीन स्टार्ट होते ही 2 मिनट्स जो है वो लेफ्ट हो जाते हैं, 78 पर आ जाती है। अच्छा, अब व्यूवर्स कुछ कहते हैं कि जी बहुत ज़्यादा टाइम लेती रहती है, पानी चलती रहती है, मशीन ने अपना इतना ही टाइम लेना है। आई रिपीट, मैं पहले भी आपको अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ, फिर बता रही हूँ, मशीन इतना ही टाइम लेगी। ये देखें 77 हो गया अभी आपसे बात करते करते, तो मशीन इतना ही टाइम लेगी। लेकिन क्या है कि वाटर लेवल जब भर रहा होता है ना, उस दौरान उसका टाइम ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि जी 2-3 घंटे मशीन चलती जा रही है, चलती जा रही है, स्टॉप नहीं हो रही है। आप देख कर रहे हैं इसके अंदर जो वोल्टेज होता है वो आपके 2 एनर्जी सेवर के जितना ही जो है बिजली ले रही होती है, ज़्यादा बिजली खर्च नहीं करती। तो आप इंजॉय करें ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, इसके अंदर कपड़े डालें और भूल जाए और अपने बाकी सारे काम करते रहें, मशीन अपना काम करती रहेगी। आपने इसकी प्रोग्रामिंग सेट कर दी है, तो चलिए आइए अब हम इसके पूरे प्रोसेस के बाद मिलते हैं। सबसे पहले हम वॉशिंग मशीन का स्विच ऑफ करेंगे, स्विच ऑफ करने के बाद हम इसका लेट खोलेंगे और आप ये देखें कितने ज़बरदस्त हमारे जो है सॉफ्ट टॉयज इसमें डीप क्लीन हुए हैं। और आप जैसे कि मैं महसूस कर सकती हूँ कि ये 80 क्या, ये तो 90% तक जो है ड्राई हो गए हैं, बस इनको घंटे दो आवर टू आवर के लिए इन्हें छोड़ेंगे और ये बिल्कुल जो है बहुत अच्छे से जो है वो सूख जाएंगे। ये हमारा सबसे बिग साइज एलिफेंट भी रेडी है, आप ये देख सकते हैं कि ये सॉफ्ट टॉयज बहुत अच्छे से वॉश हो गए हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे अभी न्यू लेकर आए हैं। तो
तो ये थी व्यूवर्स आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको सिखाया कि हाउ टू वॉश सॉफ्ट टॉयज इन अ वॉशिंग मशीन बाय यूजिंग डीप क्लीन फंक्शन, यानी कि आप डीप क्लीन फंक्शन इस्तेमाल करते हुए आप सॉफ्ट टॉयज किस तरह से वॉश कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे व्यूवर्स कहते हैं कि जी डीप क्लीन में हम कौन से कपड़े वॉश कर सकते हैं। डीप क्लीन में आप वही कपड़े वॉश करते हैं जो बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा धुलाई की ज़रूरत होती है, नाजुक कपड़े नहीं लेकिन जो बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। जैसे कि आप यूनिफॉर्म वगैरह भी आप डीप क्लीन के अंदर वॉश कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा बच्चे गंदे करते हैं। तो ये थी व्यूवर्स आज की वीडियो, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आप मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो से अपडेट रहे। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो वीडियो देखने का आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।